हाँ बिक जाते हैं, कभी बिक जाते हैं, कभी नहीं भी बिकते, कभी 10-10 दिन नहीं बिकते, कभी दो भी बिक जाते हैं, चार भी बिक जाते हैं, कभी कोई भी नहीं बिकता। मेरा नाम आबदा है, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए इधर बनाते हुए पीलू एरिया में। मैं ये काम जब छोटी थी ना, 8-9 साल की थी, सीखा था, उस वक्त सीखा था, लेकिन उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी करने की, ना तो मुझे माँ बाप के घर में ज़रूरत पड़ी है, ना ससुराल के घर में ज़रूरत पड़ी है करने की। बस अभी ये मजबूरी थी, मियाँ बीमार हो गए थे, चल फिर नहीं सकते थे, कोई काम काज नहीं कर सकते थे, चारपाई पे थे, तो मैंने सोचा किसी के घर काम करना या किसी के आगे हाथ फैलाना, उठाए पैसे बहुत उठा उठा के लोगों से उसके ऊपर लगाए थे, लेकिन ये बात थी कि फिर भी ये हिम्मत नहीं हारी, ये हिम्मत की थी कि बाहर चलती हूँ, जाके कुछ काम करती हूँ, अपना काम करूँगी तो अपने बच्चों का पेट पालूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम बच्चों का पेट पा रहे हैं, लेकिन ये है मजबूरी है कि ज़ाहिर ये बात है बाहर निकलता है, जब औरत का बाहर निकलना तो मुनासिब ही नहीं है, तो जब भी औरत बाहर निकलती है अपने बच्चों के लिए मजबूर हो के निकलती है, ठीक है, हाँ जी, अपने बच्चों के लिए मजबूर हो के निकलती है, लेकिन बात ये है कि फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला रोटी दे रहा है। वो मेरे मियाँ बीमार थे, पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, बाद में फालज हो गया, फिर सांस और दिल का मरीज हो गए, बीमारी हो गई, इस वजह से वो चल फिर नहीं सकते थे, काम काज भी नहीं क्यों कर सकते थे, लेकिन सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे, अल्लाह हिम्मत दे, बाहर बैठूंगी, काम करूंगी, अपने बच्चों को रोजी कमा के खिलाऊंगी। हालात ज़ाहिर है जब आई थी इधर बहुत टेंशन थी, लोग क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, खुद भी परेशान थी कि कैसे बैठूं, क्या करूं, क्या नहीं। फिर ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था कि जो मेरे आसपास के लोग थे, करीब के थे, उन्होंने बहुत इज्जत की है मेरी, मैं भी करती हूँ, वो भी करते हैं, लेकिन मेरे पास किसी गैर मर्द को खड़ा भी नहीं होने देते, ठीक है, मेरे पास वाले जो हैं आसपास वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन इमदाद भी करते हैं, फुटबॉल भी ख़रीद लेते हैं, और ये जो है वैसे भी इमदाद करते हैं, चलो मेरे बच्चों का गुजारा हो रहा है, लेकिन ये लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई थी, जब का लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त की बहुत ही परेशानी है, किराया भी देना घर का होता है, गैस बिजली बिल हर चीज़ देना होता है, लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकती। बस मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई अल्लाह का नेक बंदा, हुकूमत से भी कहती हूँ कि हर बंदा मेरी सुन रहा है, मैं बोल रही हूँ कि कोई अपनी बेटी समझ के, बहन समझ के मुझे छोटा सा घर ले दे, ताकि मैं अपनी बच्चियों को घर में सेफ रखूँ, मैं सुबह से आती हूँ, शाम को घर जाती हूँ। दूसरी औरतों के भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना हिम्मत करें, जैसे ये रोड पे मांगती हैं, चलती फिरती हैं, ये काम छोड़ें और अपना को मजदूरी करके बच्चों को खिलाएं, ताकि बच्चों को भी पता हो कि हमारी माँ हमें मजदूरी करके खिला रही हैं, कल को बच्चे भी इनकी कदर करें और वो बच्चों की कदर करें। ये मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन बस ये मजबूरी होती है जब औरत घर से निकलती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि देखती हैं कि बाहर निकलते हैं, खाते पीते हैं, मांगती रहती हैं, सारा दिन मांगती रहती हैं, ये करना है, वो करना, हमारे घर में बहुत मजबूरी है, ये होता है, घर मजबूरी कोई भी नहीं होती, हालांकि कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके मर्द खुद छोड़ के जाते हैं, तो फिर सारा दिन मांग के शाम को घर चले जाती हैं, लेकिन उनको औरतों को मैं ये कहती हूँ कि किसी के मांगने की बजाय, हाथ फैलाने की बजाय अपना मजदूरी करके करके बच्चों को खिलाएं। बाल नहीं बेचते थे, घर में बैठे थे 2 माह, लेकिन टाइम निकालने वाला तो अल्लाह है, ठीक है, खा लिया ना खाया, अल्लाह को याद करके भी सो जाए तो सुबह अल्लाह देता है, शाम को खा के सो जाए तो सुबह अल्लाह देता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि लॉकडाउन में फुटबॉल तो नहीं बेचने आए, बाहर घर में ही थे, लेकिन जो मुश्किलात हालात, ये हालात का तो सबको ही पता है कि किस तरह लोगों ने हालात गुजारे हैं, ये वाला कोई भी नहीं देता किसी का साथ, खुद कमा के खुद ही करना पड़ता है, कोई भी नहीं किसी का साथ देता, ना कोई किसी को कहता है, जब बंदा गरीब हो जाता है रिश्तेदार भी कहता है इसको छोड़िए मेरे से कुछ मांग ना ले, इतनी अपना मजदूरी करके बच्चों को खिलाएं, वो हक हलाल की कमाई है, काम करके अपने बच्चों को खिलाती हैं, वो ठीक है करती हैं, ठीक है, जो मैं इनको बात कर रही हूँ कि जो बाहर रोडों पे फिरती हैं मांगती हैं, वो भी अपना काम करें, कोई भी कढ़ाई सिलाई कोई भी कम मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाएं, किसी के घर में काम कर लें, हाँ बिक जाते हैं, कभी बिक जाते हैं, कभी नहीं भी बिकते, कभी 10-10 दिन नहीं बिकते,
कभी दो भी बिक जाते हैं, चार भी बिक जाते हैं, कभी कोई भी नहीं बिकता। मत से ये मुतालबा है कि मुझे कोई छोटा सा घर ले दे ताकि मैं अपनी बच्चियों को जो है ना वो सुकून से घर रखूँ। मेरी बच्चियाँ जवान हैं तो कोई अल्लाह का बंदा जो है वो कोई छोटा सा घर ले दे, बड़ा तो मैं नहीं कह रही, कोई छोटा सा ही ले दे ताकि मेरे सर पे साया हो।